प्रोजेक्ट्स चलेंगे प्रोजेक्ट चल कर फिर आप उनका जो है वो करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम करने के लिए माइनसिस में जाएंगे और फिर आप जीरो पे जाएंगे फिर आप उसको डेफिसिट से निकाल के पॉजिटिव में ले आएंगे सो इंकॉन्ग्रटीज बिटवीन द इकोनॉमिक रियालिटीज इंडस्ट्री और पब्लिक सर्विस एरिया देन इज इंकॉन्ग्रिटीज बिटवीन द रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री देखिए जी हमारी जमशिन क्या है कि हम रियलिटी में ऑफ इंडस्ट्री है क्या क्या हमारे पास रिसोर्स पूरे हैं सप्लाई चेन पूरा है हमारे पास क्रॉस टॉकिंग तो नहीं आ रही हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल रिफाइम टू द डेयरी फॉर्म इंडस्ट्री मैं टाट्रा पैकेजिंग कर रहा हूँ और मैं मिल्क पैकेजिंग कर रहा हूँ सो मेरे पास टोटल तो सप्लाईज कितनी है कंपटीशन कितना है सप्लायर टू सप्लायर एंड में कितना है अच्छा इंटर और इंट्रा कनेक्टिविटीज़ भी हमें देखनी पड़ेंगी

तो मेरे रिजल्ट्स उतने नहीं मिलेंगे जैसे मैंने आपको दूध की एग्जांपल दी आप अगर समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं मुझे गवाला गवालों के साथ मुझे दूध बेचने वालों के साथ मैसेज के अंदर जिसके पास ज़्यादा गाय हैं बड़े ज़मींदार लोग हैं उनके पास अपनी मशीन्स को पहले भेजना है फिर उनके साथ मुझे लेजिटमेटली उनसे एग्रीमेंट करने एग्रीमेंट करके मैं कितने लीटर दूध पर डे लेता हूँ मैं पेस्चराइज़ करता हूँ पेस्चराइज करके उसके टैंपरेचर को बैलेंस करता हूँ टेम्परेचर को बैलेंस करके उसको हाइजेनिटी के ऊपर लेकर आता हूँ हाइजेनिटी के ऊपर ला कर उसकी प्रोसेस रिसाम्बलिंग करता हूँ और फिर उसके सेवन जॉब प्रोसेस के अंदर डिवाइड करता हूँ देन इट कम्स टू रियलिटी कि मैं आप रिजल्ट में क्या दे रहा हूँ क्या मैं उसके अंदर कैल्शियम ऐड कर रहा हूँ क्या मैंने उसके अंदर इतने हाइजीन्स डाल दिए हैं क्या मैंने सारे बैक्टोरियल फ्लो जो हैं इतना तो बै बैक्टीरिया नहीं मार दिया कि मेरे दूध का के जो कैल्शियम जाना है बाकी चीज़ें जानी हैं या सर मैं केमिकल दे रहा हूँ तो ये सारी की सारी रियलिटीज़ को हमें देखना पड़ेगा देन इनकॉग्रिटीज इन इकोनॉमिक रियलिटी एक नज़र हम देख लेते हैं बाय द बुक क्या कह रहे हैं इफ़ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज ग्रोइंग स्टेडली इट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस शुड स्टेडली इम्प्रूव इट शुड बी ईजी टू प्रॉफिटेबल इन इंडस्ट्री ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड फिर राइजिंग डिमांड के ऊपर बात की हमने फिर रिजल्ट के ऊपर और फिर इंडस्ट्री जो हैग्रिटीज बिटवीन द इकोमिक रियालिटी हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके दैन कम ऑन टू द इनकॉन्ग्रिटीज बिटवीन द रियालिटी ऑफ एक्सामशन अबाउट इट अब इसको भी थोड़ा सा आप गौर से देख लीजिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वेन एवर द पीपल इन इंडस्ट्री सर्विस मिस कन्विंस रियालिटी यही मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एजामशन को मिसकन्वेंस नहीं करना आप मिसकन्वेंस हो जाते बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हवा में और आइडिया में बहुत अच्छी लगती हैं और पाकिस्तान में ऐसे मसाइल बहुत सारे लोगों के साथ आ रहे हैं साइंटिस्ट होने के ना होने के बावजूद भी साइंटिस्ट हैं और गूगल पे सर्च करके वो अपने आप को कंप्लीट साइंटिस्ट बना भी लेते हैं यहाँ तक के, के मोबाइल के अंदर कितने सेंसर्स हैं वो इसको अगर तलाश कर लेते हैं विच इज़ गुड कॉल्ड एक्सप्लोरेशन लेकिन अगर आप इस एक्सप्लोरेशन को जो है वो एक नई रियलिटी को रेयर रियलिटी को डेवलप करने शुरू कर देंगे तो फिर ऐसे हो नहीं सकता वजह यह है कि आपका साइंटिफिक नॉलेज प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है उसके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपको टेंसेंट बनना पड़ेगा और टेंसेंट बनकर आपको वी चैट डेवलप करेंगे तो वी चैट जो है वो कभी उसका जो है वो सर्वर डाउन नहीं होगा अब वो परचेज भी कर रही होगी वो बाय भी कर रही होगी वो टिकट सेलिंग भी कर रही होगी वो ग्रॉसरीज भी बेच रही होगी वो आपके पास फेसबुक का, का काम भी कर रही होगी व्हाट्सएप का, का काम भी कर रही होगी सो एंड सो वो फोर्थ uh, आपका सोशल एक्टिव नेटवर्क होगा लेकिन इसके लिए हमें वो सॉफ्टवेयर के बड़े इंजीनियर इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे जैसे टेंसेंट के पास थे बट अगर हमारे पास ऐसा नहीं है तो, तो अगर आप हम देख लें जैकमा की एग्जाम्पल भी लेख लें ही द 18 पीपल द मा वॉज द वन हु नेवर यूज एंड स्टिल दिस डेट ही कांट यूज द माउस नॉट कांट इवन ही कैन टाइप एनीथिंग ऑन कीबोर्ड बट ही हैज द फ्लरिश आइडियाज कि किस तरह माइक्रॉन्स के अंदर काम करेंगे एंड ही लेट हिज टेक्निकल स्टाफ टू डू दैट लेकिन जब अगर आप खुद चाहते हैं आप इंजीनियर नहीं हैं और आप नक्शा जात खुद बना रहे हैं आप टेक्निकल आपकी स्टडीज नहीं है और हैंड ऑन प्रैक्टिसेस नहीं है और आप वो खुद चीज़ से चाह रहे हैं इसको हम सेल्फ ऑबसेस्ड इनोवेटिव या आंटरप्रनोर कह सकते हैं लेकिन ये इनोवेटर्स innov, uh, होते नहीं हैं ये अपने आप को डिसेप्शन में लेके जा रहे हैं या मिसकनवेंस हैं रियलिटी से देन कम टू द इनकॉर्टीज बिटवीन द परसीव्ड एंड एक्चुअल कस्टमर वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन विज ऑफ ऑल इनकिंग कॉम्गिटीज दिस वन मे मे बी द मोस्ट कॉमन प्रोड्यूसर्स इन सप्लायर्स टिपिकली मिसकनवेंस व कस्टमर एक्चुअली जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम खरीद क्या रहे हैं? हम कौन सी टाइप खरीद रहे हैं आपकी जो बाइंग मार्केट है सप्लाई मार्केट है मैं अगर ड्राई फ्रूट्स पर चला जाऊँ मैं आपके सर्दी के पोशाकों में चला जाऊँ मुझे पश्मीना चाहिए औरिजिनल पशमीना चाहिए तो मैं वह कहाँ से लूँगा मेरे रिजल्ट्स क्या आएंगे मुझे आ क्या रहा है मैं मिसकनवेंस हो रहा हूँ मुझे आप अक्सर कपड़े की दुकान पर जाएंगे आप मांग क्या रहे होते हैं वो कह रहे हैं ये इससे भी अच्छा है ये फ़लाँ वाली चीज़ नहीं।, नहीं 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 ये छोड़ो ये इससे भी अच्छा है आप कह रहे हैं कि मुझे इसके एट्रीब्यूट्स और और फ़ीचर्स ये वाले चाहिए मुझे फ़लाँ मोबाइल के अंदर ये चीज़ें ये छोड़ो ये अच्छा है सो जब ये चीज़ें आपके पास आएंगी तो आप मिसकन्वेंस हो जाएंगे So whosoever gives you a misconception about anything which is customer value expectations, rather on the right direction, it will redirect to the different direction, which is wrong. What does the customer actually buy? They assume that what is the value to them is equal of the value to the customer whose expectation and values are usually different. The customer seldom perceive what he or she buying as what the producer or supplier delivers this is the incongruities uh, within the rhyme with the rhythm or the uh, rhythm of the logical process flow let us discuss into the different way this incongruities looks for the something that is missing in a particular process particularly how consumer may use a product so yahapramne rhythm or flow इसको ग़ौर से देखना है बट रिदमिक फ्लो ये है कि मैं जहां से सप्लाई उठा रहा हूं और जो मेरी मार्केट है अगर मेरा अपर अपर क्लास है तो मेरी सप्लाई भी मेरी जो है वो मैं उसको सी कैटेगरी नहीं ले सकता मुझे ए क्लास ए कैटेगरी जॉब्स लेनी होंगी जो कि मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ सो तो मेरा सेगमेंट टू तो सेगमेंट रिलेट करेगा और इंटर और इंट्रा नेटवर्किंग हमारी सप्लाई चेन में ऐसे फिक्सन होगी थैंक यू वेरी मच